हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैं आज आपको इस वेल्डिंग के कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 1 to 5 में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा वेल्डिंग के बारे में और आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल लगवाए थे जो कि थे आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड। तो आर्क वेल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके कुछ और 2 न्यूमेरिकल हम लोग आज इस लेक्चर में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर जो कि आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है आर्क लेंथ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक आज रिप्रेजेंटेड बाय वी इज्क्वल टू 20+4L, मतलब वी इज्क्वल टू a+bL वाला इक्वेशन इन्होंने प्रोवाइड करा दिया है। ये आपका इक्वेशन लिखा हुआ है। उसके बाद कहा है इफ़ द आर्क लेंथ इन वेल्डिंग ऑपरेशन चेंजेस बिटवीन 4 mm टू 6 mm, मतलब इन्होंने L जो लेंथ है, आर्क लेंथ ये L की वैल्यू है, ये इन्होंने बोला है 4 mm टू 6 mm चेंज होती है, मतलब पहले 4 mm थी फिर 6 mm हो गई। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन में 4 mm की वैल्यू रिप्लेस करके V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 4 mm आर्क लेंथ के लिए V की वैल्यू कितनी होगी, तो वो V1 हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया 20+4×4 जो कि आया हमारा 36, मतलब V1 हमारा आ गया 36 4 mm लेंथ के लिए। इसी प्रकार हमने जब V2 निकाला 6 mm लेंथ के लिए तो वो आया 44। ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बोलता है वेल्डिंग करंट रेटिंग बिटवीन वेरिंग, जो करंट है वो वेरी करता है 550 टू 450 एम्पियर। जो वी हमें पता चल गया और आई इन्होंने बोल दिया है कि करंट वेरी कर रहा है 450 एम्पियर। एज्यूमिंग अ पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक, सॉरी, तो जो पावर करेक्टरिस्टिक सोर्स है वो हमारा लीनियर हमें कंसीडर करना है। अगर लीनियर बोल दिया है तो हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वी टी अपॉन ओ सी वी प्लस आई टी अपॉन एस सी सी इज्कल टू 1, इसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। जब हम लोगों ने ये फॉलो कर लिया तो अब हमें कैलकुलेट करना है ओ सी वी एंड एस सी सी। अब देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन में अगर हम लोगों ने वी टी और आई टी की वैल्यू रख दी तो भी हमारे पास 2 अननोन होंगे, एक ओ सी वी और एक एस सी सी, मतलब हमें इस टाइप की 2 इक्वेशन चाहिए। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है इसने, अब हम लोगों को वी की 2 वैल्यू पता है अलग अलग एल पर, मतलब V1 V2। अगर हम यहाँ V1 की वैल्यू रख देंगे फिर दूसरे बार में V2 की वैल्यू रख देंगे तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। लेकिन हमें अब क्या चाहिए, IT की 2 वैल्यू चाहिए। तो इन्होंने कहा है, क्वेश्चन में ही दिया है IT की वैल्यू, कि जो करंट है वो वेरी कर रहा है 550 टू 450, मतलब जब हमारी आर्क लेंथ 4 mm थी तब हमारी V1 कितनी थी 36 और हमारी उस समय करंट कितना था 550। तो हम पहली इक्वेशन में VT रख देंगे कितना 36, IT कितना रख देंगे 550 और OCV और SCC में हमारी एक इक्वेशन यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। फिर दूसरी बार में हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ बराबर 6 mm के लिए हम लोगों ने V कैलकुलेट कर रखा है तो V की वैल्यू यहाँ रख देंगे 6 mm के लिए। फिर I की वैल्यू 6 mm के लिए दी रखी है 450 एम्पियर, तो 450 हम IT की जगह रख देंगे तो हमारी दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी। तो यहाँ पे जब दूसरी इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये पहली इक्वेशन हमारी कैलकुलेट होके आ गई, बन के आ गई, यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन बन के आ गई। फिर अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें SCC और OCV की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये इक्वेशन आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें SCC और OCV नीचे है तो इसको हम लोगों ने इन दोनों से माइनस किया तो हमारा SCC यहाँ पे आ गया और OCV को हम लोगों ने इक्वेशन ऐसे बना ली थी कुछ मल्टीप्लाई करके कि यहाँ 792 आ जाए, यहाँ भी 792 आ जाए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो इसलिए हमारा यहाँ से SCC की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। और एक बार SCC की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो किसी भी इक्वेशन में SCC की वैल्यू रख देंगे तो हमारी OCV की वैल्यू भी कैलकुलेट होके आ जाएगी।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए आपको इसके लिए भी किस किस की ज़रूरत पड़ी, एक तो पावर, जो पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, और दूसरी ये हमारा वोल्टेज करेक्टरिस्टिक लेंथ इक्वेशन दी हुई थी। इसी से हमने दो वी की वैल्यू कैलकुलेट की, दो आई की वैल्यू दी हुई थी, दोनों वी और आई की वैल्यू यहाँ रखी, तो हमारे दो अननोन जो OCB और SCC थे वो कैलकुलेट होके आ गए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस टाइप के अगर इतने क्वेश्चन जितना मैं लगवा रहा हूँ वो लगा लेंगे तो आपको कोई रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अ डीसी वेल्डिंग मशीन विथ अ लीनियर पावर सोर्स करेक्टरिस्टिक प्रोवाइड, OCV और SCC की इन्होंने वैल्यू दे दी है। इसका मतलब इन्होंने आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्रोवाइड कर दी है पावर सोर्स वाली, जो कि क्या होती थी, ये हो यहाँ पे ये होती थी VT अपॉन OCC प्लस IT अपॉन SCC इक्वल टू 1। अब इन्होंने OCC और SCC की वैल्यू दे दी है तो ये इक्वेशन हमें पता चढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द वेल्डिंग, वेल्डिंग के टाइम पे द मीजर्ड आर्क करंट इज़ 500 एम्पियर। यहाँ पे आई भी दे दिया इन्होंने, करस्पॉन्डिंग टू द आर्क लेंथ 5 mm। जो आई की वैल्यू है वो आर्क लेंथ 5 mm पर है, एंड मीजर्ड करंट इज़ 460 एम्पियर करस्पॉन्ड टू आर्क लेंथ 7 mm। मतलब जब इनकी आर्क लेंथ 5 mm थी तब इनका करंट 500 एम्पियर था, और जब आर्क लेंथ 7 mm हो गई तो इनका करंट 460 एम्पियर हो गया। व्हाट इज़ द लीनियर वोल्टेज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द वेल्डिंग, इन्होंने क्या पूछा है। जो आपकी इक्वेशन होती थी वी इज़क्ल टू ए प्लस बी एल, अब इन्होंने हमें क्या क्या दिया है, एल दिए हैं, दो वैल्यू एल की दी हैं और आई की भी दो वैल्यू दी हैं। अगर इससे हम V की दो वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमें V की वैल्यू दो पता चल जाएंगी, दो L की वैल्यू पता है तो हमें इससे दो इक्वेशन पता चल जाएंगी इस टाइप की। तो इस जगह दो इक्वेशन पता चल जाएंगी तो दो अननोन है हमारे पास, दोनों A और B कैलकुलेट हो जाएंगे। तो वो दोनों I कैसे कैलकुलेट किया, इन्होंने OCB और SCC भी दे रखा है, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी। हम लोग पहला I लेंगे, I1 लिया, यहाँ पे रिप्लेस किया, तो यहाँ पे जब रिप्लेस करेंगे OCB और SCC हमें पता है, I1 हमने यहाँ पे रखा तो इससे हमें V1 की वैल्यू मिल जाएगी। इस इक्वेशन में अब V अकेला ही अननोन है तो V की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद I की दूसरी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे देखिए 460 रख दी, SCC और OCB तो वही रहेगा, तो हमें यहाँ से V की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी जो कि हो जाएगी V2। V1 आ गया 30, V2 आ गया 34। अब हमारी जो इक्वेशन होती है V इज़क्ल टू ए प्लस बी एल, यहाँ पे हम V की पहली वैल्यू रखेंगे करस्पोंडेंस टू L की पहली वैल्यू, मतलब L1, V1 और L1 रखेंगे तो हमारी एक इक्वेशन A और B में बन जाएगी। इसी प्रकार हम L2 की वैल्यू और V2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो A और B में हमें दूसरी इक्वेशन भी मिल जाएगी, और फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम B की वैल्यू और A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए लगवा दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।